हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस वर्ड के बारे में, एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन, इसका यूज क्या होता है, इसका इंटरफेस क्या होता है, कहां कहां इसका यूज होता है, कौन कौन सी चीजें दी गई होती है। आगे वीडियोज में आपको और भी ढेर सारी चीजें मिलने वाली है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी। इसके पिछले वीडियो में मैंने एमएस पेंट, नॉट पैड और वर्ड पैड के बारे में और साथ ही एमएस वर्ड के सारे शॉर्टकट कीज और एमएस वर्ड को किस प्रकार कई तरीकों से ओपन कर सकते हैं इसके लिए वीडियो अपलोड कर दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद का इंटरफेस और ये सब चीजें क्या होती है उसके बारे में और इसे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, एमएस वर्ड भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है, जो कि ऑफिस में टाइपिंग लेटर के काम में आता है। ऑफिस में होने वाले सारे काम आप इसमें कर सकते हैं और अगर आप कहीं नौकरी वगैरह के लिए जाते हैं तो आपको एमएस वर्ड चलाना आना बहुत जरूरी है, चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरी हो या राज्य सरकार की या आपका कोई छोटा मोटा ऑफिस हो, तो एमएस वर्ड की जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे शॉर्टकट टूल जो है अपने कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करते हैं। जैसे ही विंडो आर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें आप एमएस वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर टाइप करना होगा विन वर्ड। जैसे ही विन वर्ड टाइप करते हैं उसके बाद अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करें या माउस के द्वारा ओके पर क्लिक करें, और जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं हमारे सामने एमएस वर्ड ओपन हो गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, किसी भी एप्लीकेशन के सबसे टॉप में ये जो ब्लू पट्टी होती है इसे हम टाइटल बार कहते हैं। इसमें आपको नेम ऑफ एप्लीकेशन और नेम ऑफ फाइल शो करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने डॉक्यूमेंट वन के नाम से एक फाइल शो कर रहा है। चूंकि मैंने इस पर अभी कोई भी वर्क करके इसे सेव नहीं किया है इसलिए डॉक्यूमेंट वन शो कर रहा है, और ये इस एप्लीकेशन का नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसलिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शो कर रहा है। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में ये ऑफिस बटन होता है, इसे हम माइक्रोसॉफ्ट बटन भी कहते हैं, और ये है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में दिखने वाले ऑप्शन को आप अपने हिसाब से शो और हाइड कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्विक एक्सेस टूल बार के राइट साइड में ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन शो कर रहा है। इसमें आपको जिस भी ऑप्शन को यहाँ पर शो करना है उसके सामने वाले बॉक्स में चेक लगा देना, और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने ये ऑप्शन शो करने लगा। और अगर आप इन सारे ऑप्शंस को हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आप बारी बारी से इन सारे ऑप्शंस के सामने चेक बॉक्स को अनचेक कर दें। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने क्विक एक्सेस टूल बार में शो करने वाले सारे ऑप्शन हाइड हो चुके हैं, और अगर आप इसे वापस से लाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे वापस से ला सकते हैं। फ्रेंड्स, टाइटल बार के राइट साइड में होता है कंट्रोल विंडो बटन। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर तीन बटन शो कर रहे हैं, एक क्लोज, रिसॉर्ट डाउन और ये मिनिमाइज। अगर आप एमएस वर्ड में कोई वर्क कर रहे हैं और कुछ देर के लिए इस एप्लीकेशन से बाहर जाना चाहते हैं और अपने वर्क को कंटिन्यूली रहने देना चाहते हैं तो सिंपली आपको मिनिमाइज बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही मिनिमाइज पर क्लिक करते हैं आपका एमएस वर्ड एप्लीकेशन यहाँ पर टास्क बार में शो करेगा जैसा कि आप देख सकते हैं, और आप इसे वापस से ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करें, और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा एमएस वर्ड फिर से ओपन हो गया है। और ये है हमारा मैक्सिमाइज रिस्टोर बटन, इससे आप एमएस वर्ड एप्लीकेशन को रिसाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये एप्लीकेशन छोटा हो गया है, इस तरह से आप इसे रिस्टोर और रिसाइज कर सकते हैं। और ये है क्लोज बटन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये एमएस वर्ड एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। फ्रेंड्स, टाइटल बार के ठीक नीचे ये होता है टैब्स एंड पैनल। इसमें आपको शो कर रहे हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू और व्यू टैब। फ्रेंड्स, एमएस वर्ड के सारे टैब एंड पैनल में बहुत सारे ग्रुप एंड ब्लॉक है, और सारे ग्रुप्स एंड ब्लॉक में बहुत सारे ऑप्शन एंड कमांड्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं होम टैब में क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फॉन्ट ब्लॉक, पैराग्राफ ब्लॉक, स्टाइल ब्लॉक, एडिटिंग ब्लॉक। उसी तरह इंसर्ट टैब में पेज, टेबल, इंसुलेशन, लाइन, हेडर, फुटर, टेक्स्ट, सिंबल। इसी तरह पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू में बहुत सारे ग्रुप्स एंड ब्लॉक हैं, और सारे ग्रुप्स एंड ब्लॉक में ये ऑप्शन एंड कमांड्स हैं
अगले वीडियो में मैं आपको सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में बताऊंगा। टैब्स एंड पैनल के ठीक नीचे ये जो चौड़ी पट्टी शो करती है, इसे हम रिबन कहते हैं। रिबन में आपको ग्रुप्स एंड ब्लॉक्स, ऑप्शन एंड कमांड्स शो करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिबन के ठीक सामने ये हमारा रूलर है, जिसे हम स्केल कहते हैं। एमएस वर्ड में दो रूलर होते हैं, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे भी रूलर दिया हुआ है। इसका यूज बेसिकली हम लेटर टाइपिंग या किसी तरह के डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं तो उसके मार्जिन को सेट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, रूलर में आपको ये हैंगिंग इंडेंट शो करेंगे, इससे आप अपने पेज के मार्जिन को कम ज्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रूलर के ठीक नीचे जो आपको ये व्हाइट पेज दिख रहा है, इसे हम वर्किंग एरिया के नाम से जानते हैं। इसमें आप एमएस वर्ड में होने वाले सारे कार्य को कर सकते हैं। वर्किंग एरिया के ठीक नीचे ये होता है हमारा स्टेटस बार। इसमें आपको नंबर ऑफ पेज, आप इस एप्लीकेशन में कितने वर्ड टाइप करते हैं वो, किस लैंग्वेज में टाइप करते हैं वो, और साथ ही आपके पेज के साइज को शो करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पेज का साइज अभी 130% है। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने जाना एमएस वर्ड ओपन होने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस शो करता है उन सारे ऑप्शंस के बाद। एमएस वर्ड के ऑफिस बटन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस शो करेंगे। इन सारे ऑप्शंस का यूज आप क्विकली करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्विक एक्सेस टूल बार से उस ऑप्शन के सामने वाले चेकबॉक्स में चेक लगा देना है, और आप देख सकते हैं वो ऑप्शन हमारे डिस्प्ले पर सामने शो कर रहा है। वर्किंग एरिया के राइट साइड में ये होता है हमारा जूम स्लाइडर, इससे आप अपने पेज को अप डाउन स्लाइड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में मैं आपको होम टैब के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं एमएस वर्ड को कंप्लीट सीखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आप आने वाली सारी वीडियोस को देख सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।